नीता अंबानी हो या उनकी बहू श्लोका मेहता, बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका हो या कटरीना, साड़ी तो ये सब पहनती हैं। साड़ी की ग्रेस ही अलग है और इन्हें कैरी करने के तरीके भी बहुत हैं। इन सेलिब्रिटीज को साड़ी पहनना बहुत पसंद है, लेकिन इन्हें साड़ी पहनाने का काम एक ही महिला करती है और वो नाम है डोली जैन का। बस साड़ी पहना कर ही वो लाखों रुपए की फीस चार्ज कर रही हैं। पूरे बॉलीवुड को लहंगा और साड़ी पहनाने वाली डोली जैन को बॉलीवुड की ड्रेपर क्वीन कहा जाता है। अंबानी फैमिली से लेकर बड़ी बड़ी बॉलीवुड हस्तियां उनकी कस्टमर्स हैं। हाल ही में जो अंबानी फंक्शन हुआ है उसमें श्लोका से लेकर नीता अंबानी सबका लहंगा साड़ी डोली जैन ने ही सेट किया और लाखों की फीस चार्ज की। उनकी फैन पोलिंग का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बड़े बड़े क्लाइंट को साड़ी पहनाने के लिए वो खुद मर्सिडीज पर जाती हैं। वैसे साड़ी तो हर कोई बांध लेता है, लेकिन डोली जैन में ऐसा क्या खास है जो वो इतनी फेमस हैं और इसके लिए मोटी रकम भी ले रही हैं? तो चलिए आपको बताते हैं। डोली जैन की खासियत ही उन्हें फिल्म इंडस्ट्री और उद्योगपतियों के बीच फेमस बनाए हुए है। डोली को करीब 325 अलग अलग स्टाइल से साड़ी बांधना आता है। शायद आप ये बात नहीं जानते हो कि उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज है। रिपोर्ट्स की माने तो सबसे फास्ट साड़ी पहनने के लिए उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। पहली बार में उन्होंने 80 तरह से साड़ी बांध कर रिकॉर्ड बनाया था। इसके बाद डोली ने सिर्फ 18.5 सेकंड में ही साड़ी पहनकर अपने नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज कर लिया था। देश के सबसे अमीर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी तो डोली जैन की रेगुलर कस्टमर हैं। ईशा अंबानी, श्लोका अंबानी, अनिल अंबानी की पत्नी टीना अंबानी को साड़ी और लहंगा पहनाने वाली भी डोली ही हैं। डोली जैन के कस्टमर्स की लिस्ट बहुत लंबी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो डोली जैन की स्टार्टिंग फीस 35,000 रुपए से शुरू होती है और हाई प्रोफाइल वेडिंग व इवेंट्स में उनकी फीस लाखों रुपए तक पहुंच जाती है। वो 2.5 लाख रुपए तक भी चार्ज कर लेती हैं। लेकिन साड़ी पहनाने का ये सफर कब और कैसे शुरू हुआ बहुत कम लोग जानते हैं। इस बारे में जब डोली से पूछा गया कि बॉलीवुड तक सफर उन्होंने कैसे तय किया, इस सवाल के जवाब में उन्होंने इसका श्रेय जाने माने फैशन डिजाइनर अबू जानी संदीप खोसला को दिया। दरअसल एक मैरिज फंक्शन में उन्होंने हिस्सा लिया जहां डिजाइनर संदीप खोसला के डिजाइन किए ब्राइड्स दुपट्टों को स्टाइल करने का काम डोली ने किया था। डिजाइनर संदीप को डोली का काम पसंद आया, बस फिर वो डोली को अपने साथ कई शोज में ले जाया करते थे। हालांकि एक समय ऐसा था जब डोली को खुद साड़ी पहनना नहीं आता था। वो बेंगलोर में पली बढ़ी थी और शुरू से ही जींस टॉप पहनती थी, लेकिन जब शादी हुई तो उन्हें साड़ी पहननी पड़ी क्योंकि उनकी शादी एक ऐसे परिवार में हुई जहां औरतें ज्यादातर साड़ी ही पहनती थी। और डोली को जब पता चला कि शादी के बाद उन्हें ससुराल में सिर्फ साड़ी ही पहनना पड़ेगा, तब उन्होंने साड़ी बांधने की प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली। उसके बाद उन्होंने इसे अपना प्रोफेशन ही बना लिया और सेलिब्रिटी की साड़ी पहनाने का सारा श्रेय वो दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी को ही देती हैं। दरअसल एक इवेंट में डोली श्रीदेवी को साड़ी पहना रही थी, जिसके बाद श्रीदेवी ने उन्हें सुझाव दिया कि डोली को इसे अपने करियर के रूप में चुनना चाहिए। श्रीदेवी ने डोली की तारीफ में कहा था कि उनकी उंगलियों में जादू है। श्रीदेवी ने ही उन्हें सुझाव दिया था कि उन्हें इस काम को एक बिजनेस में बदलना चाहिए। इसके बाद डोली जैन ने एक नए सफर की शुरुआत की। आज उन्हें इस काम को करते हुए लगभग 15 साल हो गए हैं। डोली आज भी हर दिन सुबह एक पुतले पर साड़ी लपेट कर अभ्यास करती हैं। तो देखा आपने, डोली के साड़ी पहनाने के हुनर ने उन्हें कहां से कहां पहुंचा दिया। साड़ी पहनाने के उनके हुनर ने उन्हें नेम, फेम और पैसा सब कुछ दिया। आप डोली जैन की सोशल मीडिया पर कई वीडियोस देख सकते हैं जिसमें वो साड़ी बांधना सिखाती भी हैं। और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, Facebook पर लाइक।